हेलो मित्रों, राधे राधे। मित्रों, धनतेरस कब है इस बार 2024 में? 29 अक्टूबर मंगलवार या 30 अक्टूबर बुधवार, जाने सही तारीख। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में धनतेरस का पर्व कब मनाया जाएगा, 29 या 30 अक्टूबर। पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का समय, पूजा विधि और नियमों के बारे में। हेलो मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी के साथ धन के देवता कुबेर की पूजा होती है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। आइए जानते हैं साल 2024 धनतेरस कब मनाया जाएगा, 29 या 30 अक्टूबर। पूजा का शुभ मुहूर्त, खरीदारी का शुभ समय, पूजा विधि और इसके नियम क्या हैं। धनतेरस तिथि व शुभ मुहूर्त 2024। साल 2024 में धनतेरस का पर्व 29 अक्टूबर मंगलवार को है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 29 अक्टूबर प्रातःकाल 10:31 पर। त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर। पूजा पर शुभ मुहूर्त होगा 29 अक्टूबर शाम 6:31 से रात्रि 8:13 प्रदोष काल। पूजा शुभ मुहूर्त होगा सायंकाल 5:38 से रात्रि 8:13। वृषभ काल पूजा मुहूर्त होगा सायंकाल 6:31 से रात्रि 8:27 पर। खरीदारी के शुभ मुहूर्त, शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन खरीदारी का भी महत्व है। इस दिन सोना चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। इस बार 29 अक्टूबर को धनतेरस के दिन खरीदारी के लिए प्रातःकाल 10:34 के बाद से अगले दिन 1 बजे तक खरीदारी के शुभ मुहूर्त रहेंगे। धनतेरस पूजन विधि। धनतेरस के दिन प्रातः स्नान कर पूजा स्थल को स्वच्छ कर एक चौकी पर लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी जी और कुबेर जी की प्रतिमा स्थापित करें। शाम के समय शुभ मुहूर्त में गणेश जी का पूजन करें। प्रतिमा के सामने घी का दीपक जलाएं। सभी को तिलक कर फल, फूल व अन्य पूजन सामग्री और मिठाई अर्पित करें। पूजा के बाद कुबेर मंत्र, धन्वंतरी स्त्रोत का पाठ करें। अंत में घर के मुख्य द्वार पर यम देवता के नाम का दीपक जलाना चाहिए। धनतेरस पूजा के नियम। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर पूजा की तैयारी करें। घर और मंदिर में रंग बिरंगी रंगोली बनाएं। इस दिन शुभ मुहूर्त में कुछ ना कुछ खरीदारी करें और खरीदी गई चीज़ को भगवान के सामने रखकर पूजा करें। धनतेरस की शाम घर के बाहर दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर यम देवता को दीपक अर्पित करें। इस दिन घर में कलह ना करें। आज के दिन लोहे का सामान खरीदने से बचना चाहिए। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो व्रत त्यौहार और कथाएं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री राधे कृष्णा।